नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पर जवानों के साथ दिवाली मनाते देखे गए। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो दिवाली के मौके पर जवानों को मिठाई भी खिलाते देखे गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने साथ यहाँ 130 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी से आम जनता को काफी बड़ी राहत महसूस हुई है। वहीं विपक्षी दलों की आशंका है कि सरकार एक बार फिर रेट बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय जनता के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो इसे बोगस और नाटक करार दिया है। लालू यादव का कहना है कि सरकार यूपी सहित कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद फिर से रेट बढ़ा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिवाली मनाने गोरखपुर के बनटांगिया गांव पहुंचे। वनवासियों के बीच दिवाली मनाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की जो योजनाएं पहले यहां सपना थी, अब आसानी से हर पात्र तक उपलब्ध है। आजादी के बाद भी 70 साल तक बनटांगिया गांव में कोई बुनियादी सुविधा तो दूर, वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। वहाँ 2017 के बाद से विकास की नई गाथा लिखी गई है। लालू फैमिली पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जोरदार हमला करते हुए कहा है कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये होना ही था। वो लोग बिहार में कब रहते हैं? ललन सिंह ने कहा है कि बाढ़ आता है तब भी वो बिहार से बाहर रहते हैं। कोरोना ने भी लालू फैमिली दिल्ली में दुबकी थी। ललन ने कहा है कि चुनाव आयोग तो प्रचार करने आए और चुनाव खत्म हुआ, हार गए तो दिल्ली चले गए। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। युवराज ने इस वीडियो के जरिए फैंस को पटाखों को लेकर भी एक खास संदेश दिया है। युवी ने कहा है कि अगर वो पटाखा को लेकर कुछ कहेंगे तो शायद लोगों को बुरा लग सकता है, इसलिए उन्होंने साथ में कहा कि समझदार को इशारा काफी है। दुर्गा पूजा के बाद पुलिस की चुनौती दिवाली और काली पूजा पर शांति बनाए रखने की है। दोनों त्यौहार के मद्देनजर पुलिस ने राज्य के 28 जिलों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है, जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने संवेदनशील माने जाते हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। काशी को आध्यात्मिक नगरी माना जाता है। यहाँ के आयोजन अपने आप में खास होते हैं। दिवाली के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्रीराम की आरती उतार कर लोगों को साथ रहने का संदेश दिया। विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने लम्ही के सुभाष भवन में श्रीराम की महाआरती का आयोजन किया। इस दौरान धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाने का संकल्प भी लिया गया है। त्योहारी मौसम में शेयर बाजार में निवेश का बेहतरीन मौका होता है। दिवाली पर हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। इस मौके पर मुनाफा कमाने का बेहतर मौका है। दिवाली पर शेयर बाजार बंद होने के बावजूद शाम में एक घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया जाता है। इस एक घंटे में निवेशक अपना छोटा निवेश करके बाजार की परंपरा को निभाते हैं। आज दिवाली है, वहीं आज दिवाली के मौके पर LOC पर भारत और पाकिस्तान के जवानों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान देखने को मिला, जिससे कि दोनों देश के बीच जारी गहमा गहमी भी पर्व के दिन शांत नजर आई। केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई में राहत देने के लिए बुधवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर बड़ा कदम उठाया है। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल के उत्पाद में शुल्क में 10 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है, वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। भारत में गुरुवार को एक दिन में कोरोना के 12,885 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में कोरोना संक्रमण के 15,054 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार COVID-19 संक्रमण से 461 और लोगों की जान चली गई है। इन जान गंवाने वालों के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,59,652 पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि बीते करीब 21 दिनों में देश में कोरोना के मामले 20,000 से कम रहे हैं। दिवाली के मौके पर गुरुवार को ग्रीन लाइन को छोड़कर बाकी सभी दिल्ली मेट्रो गलियारे में टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम ट्रेन सेवा रात 10 बजे शुरू होगी। अधिकारियों ने संबंध में जानकारी दी है। वैसे नियमित दिनों में अंतिम सेवाएं टर्मिनल स्टेशन से रात 11 बजे शुरू होती है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने का हालिया उपचुनाव में भाजपा की हार के कारण उठाया गया कदम करार दिया है। साथ ही कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम साल 2014 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय की कीमतों के बराबर होने चाहिए। प्रदूषण के लिए कई चीजों को उत्तरदायी माना जाता है, जिसमें बायोमास बर्निंग, निर्माण कार्य, इंडस्ट्री आदि प्रमुख कारक माने जाते हैं। दिवाली के दौरान पटाखों को भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है, पर हाल ही में मेट्रो शहरों में किए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि दिवाली के दौरान होने वाले प्रदूषण के लिए पटाखे मुख्य कारक नहीं है, बल्कि दिल्ली का मौसम इसके लिए अहम कारण है।
राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर पंजाब की सियासत पर गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के नेता राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को फिर से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए ये नेता सक्रिय हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने कुछ महीने पहले मुख्य सलाहकार का पद छोड़कर तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को झटका दिया था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋग्वेद के एक मंत्र के माध्यम से विश्व को जलवायु संकट के समाधान की राह दिखाई। अपने संबोधन में उन्होंने धरती को बचाने के लिए विश्व जगत के साथ चलने, संवाद करने और एकीकृत होने का आह्वान किया है। हर दिन बिगड़ती जलवायु कोई तत्कालिक समस्या नहीं है, औद्योगिक क्रांति के साथ विकराल रूप ले चुकी है। समस्या के समाधान के लिए समानांतर रूप से प्रयास किए जाते रहे। पूर्वांचल के पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, अब वो सिर्फ 265 रुपए में हाथी, भालू, हिरण, बाघ, बारसिंह और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दुधवा नेशनल के रोमांचकारी सफर का आनंद उठा सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की पहल पर बोर्ड ने पर्यटक ट्रेन में लगने वाली एसी रेल कार का किराया तय किया है। स्पीड ट्रायल और प्रशिक्षण के बाद रेल कार भी चलने के लिए तैयार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा एक नई पार्टी के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की नई पार्टी उनके राजनीतिक करियर का दुखद अंत होगी। एएनआई से बात करते हुए दीक्षित ने कहा कि इसका कप्तान अमरिंदर सिंह की नई पार्टी की शुरुआत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने अभी पंजाब का दौरा किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका अच्छा करियर था। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की 1000 करोड़ मूल्य से ज्यादा की संपत्तियां स्थायी तौर पर जब्त कर ली है। आयकर विभाग द्वारा ये कार्रवाई काफी छानबीन के बाद प्रोहिबिशन ऑफ दी बेमानी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के तहत की गई है। ये आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले अजीत पवार और उनकी तीन बहनों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी कई दिनों तक चली थी। 4.5 वर्षों में 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने वाली योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मिशन रोजगार को और विस्तार देगी। समूह ग की भर्तियों के लिए पिछले माह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के बाद उप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 9212, राजस्व लेखपालों के 7882 रिक्त पद समेत लगभग 23,000 पदों पर भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षाएं आयोजित करेगा। पीईटी के रिजल्ट के आधार पर ही मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेपाल पहली बार भारत को प्रतिस्पर्धा दरों पर बिजली बेचेगा। भारत ने अपने पड़ोसी देश को इंडियन पावर एक्सचेंज मार्केट में बिजली के कारोबार की अनुमति दे दी है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनर्जी एक्सचेंज में नेपाल की तरफ से किए जा रहे पुरजोर प्रयासों के मद्देनजर सोमवार को कारोबार की इजाजत दी है। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण अपनी अतिरिक्त बिजली को बेचने की स्थिति में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय है और इससे न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी बल्कि मुद्रास्फीति में भी कमी आएगी। शाह ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को और कम करके लोगों को अधिक राहत देने की सराहनीय पहल की है। देश की राजधानी दिल्ली से देश के दूसरे हिस्सों में यात्रियों के आने जाने के लिए भारतीय रेल ने पुख्ता तैयारी की है। इससे सिलसिले में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा पंडाल लगाकर हर साल की तरह इस साल भी यात्रियों के लिए सुविधा स्थल बनाया है। अपने घर गांव जाने वाले जो यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आते हैं वो इस पंडाल में बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्यौहार में लोगों को परिजनों के साथ पर्व मनाने के उत्सव में भारतीय रेल विशेष व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। भारतीय रेल पूर्वांचल की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चला रही है ताकि लोग समय पर अपने घर पहुंचकर परिवार के साथ त्यौहार में शामिल हो सके। बताते चले कि मौजूदा त्यौहारी सीजन भारतीय रेल के लिए सबसे व्यस्तम समय रहा था और दीपावली और छठ पूजा के समय यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे हर साल सैकड़ों स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मियों को दीपोत्सव के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा बीमा सहायता का लाभ उपलब्ध कराया है। निरंतर प्रतिदिन कचरा एकत्रित कर उसके व्यवस्थित निपटान में और गांव को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के प्रमोशन को मंजूरी दे दी गई है। अब वो ग्रुप कैप्टन बनाए जाएंगे। अभिनंदन वायुसेना के वो पायलट हैं जिन्होंने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के साथ हवाई झड़प के दौरान दुश्मन के एक लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान में उन्हें 3 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया था। जानकारी के मुताबिक अभिनंदन की रैंक को लेकर मंजूरी दे दी गई है। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने राज्य में दिवाली के उत्सव को धूमिल कर दिया है और कई जिलों में सरकार को बारिश से संबंधित तबाही की आशंका में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का भी बैकअप लेना पड़ा।
कर्ज घोटाले में जेल में बंद एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को बेचैनी की शिकायत के बाद जवाहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार सुबह ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जेल में बेचैनी और उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद उन्हें बुधवार शाम को जवाहर अस्पताल में लाया गया था। के इस त्यौहार को हर कोई अपनों के साथ मना रहा है। इस मौके पर सभी दलों के राजनेताओं की तरफ से देशवासियों को शुभकामना संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों के सुख और उनकी संपन्नता की कामना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यहां प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। भारत बांग्लादेश सीमा पर दो बांग्लादेशी नागरिकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बांग्लादेशी मीडिया में भारत के बीएसएफ जवानों पर इसकी हत्या के आरोप लगे हैं, मगर सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार को बांग्लादेश के दो नागरिकों की जान लेने के आरोप से इनकार किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजू पासवान, रोशन कुमार, ओमकार सिंह, अनुराधा मिश्रा, गौतम मांझी, सुशांत सिंह, सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, सुबोध कुमार, नीतीश कुमार, अनवर हुसैन, नुन्नू कुमार, निकिता कुमारी, गुड्डू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार